आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई है। बढ़ते खबरों की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल तोमर और मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सुरेश गौड़ भारतीय जनता किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष निंदर ओलख के नेतृत्व में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरवंश सिंह गजेंद्र सिंह कौरव ने गेहूं तुलाई केंद्र रायतपुरा एवं शंकरपुरा में तुलाई करने आ रही किसान भाइयों के हाथों को सैनिटाइज करवाकर गमछा और मास्क प्रदान किए एवं तुलाई और भंडारण सही ढंग से न हो इसका जायजा लिया। अध्यक्ष द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, देश की पूरी आबादी किसानों पर ही निर्भर है और आज कोरोना महामारी के समय में किसी को भी गाड़ी बंगला अच्छे कपड़े गहने आदि की आवश्यकता नहीं है। ये सब व्यर्थ सा प्रतीत हो रहा है। सभी की निगाहें किसानों के प्रति आशावान है जो तेज धूप बरसात एवं कड़कड़ाती सर्दी में भी अपने खेतों की अपनी फसल को पसीने और अपने त्याग परिश्रम से उगाते हैं। इससे पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे चिलचिलाती धूप एवं कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए किसान भाइयों को गमछा प्रदान किए जाएं। इस अवसर पर हरजिंदर पन्नू, सुरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर, विजय तोमर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ चंबल संभाग ग्वालियर राजेंद्र कुमार गोड़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मालनपुर मंडल में किसान मोर्चा की तरफ से मालनपुर मंडल के दो तुलाई केंद्र रायतपुरा एवं शंकरपुर में जाकर तुलाई केंद्रों पर किसानों को गमछा प्रदान किए, उनके हाथ सैनिटाइज करवाए। ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा द्वारा किए जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलजी तोमर, वर्तमान मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सुरेश गौड़, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष निंदर जी ओलख, जिले के उपाध्यक्ष सरदार हरवंश सिंह जी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धन्यवाद।